गुड मॉर्निंग राखी। गुड मॉर्निंग सोनी। गुड मॉर्निंग दिनेश। कैसे हैं आप लोग? ठीक है सब? ओके तो आज हम लोग न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 8। लेकिन कल की क्लास में थोड़ा सा टॉपिक, दो टॉपिक छूट गया था जो यूनिट जो हम लोग पढ़ रहे थे। ओके राखी। तो चलिए, जहां से कल स्टार्ट किए थे वहीं से हम लोग एक बार थोड़ा देख लेते हैं जो दो पॉइंट छूट गए हैं। और PYQ वगैरह जो ग्रुप में डाली गई है आप लोग को, उसको आप लोगों ने सॉल्व किया PYQ? हाँ, टारगेट पूरा मेरा वही है कि 15 मई तक जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, 15 मई तक हो जाएगा। नहीं होगा तो बहुत जाएगा, 2 दिन 3 दिन और लग जाएगा, बस उससे ज़्यादा नहीं होगा। 15 को नहीं होगा तो 16-17 तक खत्म हो जाएगा। लेकिन टारगेट मेरा यही है कि 15 तक खत्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम कुछ चाहते हैं कि जल्दी से क्लियर कर ले सब। एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा तो फिर से उसको रिवीजन करना, उससे PYQ लगाना, मॉक टेस्ट देना तो अच्छा लगेगा। आप लोग को भी थोड़ा उससे ज्यादा प्रैक्टिस होगी और मुझे भी कराने में अच्छा लगेगा कि बच्चों को थोड़ा और समझा सकूँ। ठीक है, क्योंकि टाइम रहेगा एग्जाम के पहले, तभी हम लोग ये सब चीजें कर पाएंगे। उसके लिए यही जरूरी है कि कोर्स पहले कम्प्लीट हो, क्योंकि बिना कोर्स कम्प्लीट के आप लोग क्या PYQ लगाएंगे। राखी, आप बहुत दिन बाद आई हैं, क्यों? कल की क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? लास्ट टॉपिक किसी को याद है? गुड मॉर्निंग शिल्पी। ये पढ़ना है ना, एजुकेशन फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट, रेशनल थ्योरी तक हम लोग पढ़ चुके थे। ओके, अब ठीक है।
हाँ सोनी यहीं से था, क्योंकि अभी उसके पीछे का रैशनल थ्योरी थी, रैशनल चॉइस थ्योरी जो हम लोग पढ़ लिए थे। ओके, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभिज्ञान ने पूछा था एक क्वेश्चन फिर से बताने को, तो उस दिन थोड़ा टाइम नहीं था, 1 घंटे हो गए थे, मुझे भी थोड़ा कुछ पर्सनली बहुत जरूरी काम था तो बता नहीं पाए, लेकिन अभिज्ञान तो अभी आते ही नहीं है इस टाइम। कल गूगल मीट पे हम लोग की एक मीटिंग है, ओके, इसमें सारे स्टूडेंट जितने भी पिलर फॉर्म के स्टूडेंट हैं वो सब लोग जुड़ेंगे उसमें, और जितने भी टीचर हैं, जितने फैकल्टी है उसमें भी पिलर फॉर्म की, वो सारे लोग जुड़ेंगे एक दूसरे से, तो बातचीत करेंगे बस ऐसे। उसमें बस ये होगा कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है एप्स रिलेटेड जो मैं पढ़ा रही हूँ, या फिर आपका जो टीचर है फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर जिसका भी जो टीचर है उससे कोई दिक्कत हो रही है, पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है, आप लोगों के पास कोई अभिज्ञान मिश्रा अच्छा आ गए हैं, ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ, ये खत्म हो जाए तो मैं बताती हूँ। कल की क्लास में मैं आपका वेट कर रही थी कि आप आए, तो मैं फिर से थोड़ा एक बार बता, मुझे याद था वो चीज। तो कल यही होगा कि अगर आप लोग को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो रही है, ऐप से रिलेटेड हो रही है, टीचिंग क्लास से रिलेटेड हो रही है, ठीक है, और कुछ आप लोग के पास सजेशन है कि ऐसे पढ़ाएं वैसे पढ़ाएं, या फिर क्लास अगर जो आपका ऐप में अगर चलाने में कोई दिक्कत है उसमें कोई सजेशन है तो आप दे सकते हैं उसमें, बस इसी की मीटिंग है और कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग रहिएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के बच्चे जुड़ेंगे तो मेरे सब्जेक्ट के बच्चे रहना अच्छा लगेगा ना, आप लोग भी रहेंगे एजुकेशन से, अब वहां मत गायब हो जाना सब लोग, ठीक है। 10 बजे रखा गया है, कल संडे का दिन है, आराम से नाश्ता करके खा पी के आराम से सब लोग आइए बैठिए, ठीक है। हाँ सूरज मिश्रा, सूरज मिश्रा कहाँ से चले गए, मैं भी बहुत दिन से सोच रही हूँ कि सूरज मिश्रा और सबा दो लोग एकदम नहीं आ रहे हैं, सबा तो मेरे पे कभी कभी मैसेज कर देती हैं, लेकिन सूरज का कुछ पता नहीं है, सूरज कहाँ है। सबा भी बोल रही थी कि अभी मेरा ईद चल रहा है इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रही हूँ इवनिंग वाली, वो बार बार कह रही थी कि मॉर्निंग करिए मॉर्निंग करिए, और जब से मैं मॉर्निंग की तब से सबा कभी क्लास में आई नहीं मॉर्निंग वाली क्लास में, और उन्होंने ही बोला था कि इवनिंग में दिक्कत हो रही क्योंकि उस समय रोजा तोड़ने का टाइम होता है इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी। गुड शिल्पी, तो पता नहीं थोड़ा अगर आप लोग पता कर सकते हैं तो करिएगा, शिल्पी राखी आप लोग के पास नंबर है ना, सबा और सूरज का थोड़ा पता करिएगा आप लोग, अगर ठीक लगे तो, कुछ ऐसा जब वो नहीं है कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग आज के टॉपिक पे शुरू करते हैं, एजुकेशन फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ओके, तो इसमें देखते हैं कि क्या होता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन कैसे इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए कैसे है, बस इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें देखिए, इसमें सब सब चीज़ें आपके जो समझने वाली हैं, ठीक है, बस सिर्फ समझना है, हर एक पॉइंट को समझना है, और ये आप वैसे भी समझ सकते हैं, कुछ तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है। एजुकेशन फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट रिफर्स टू द यूज ऑफ एजुकेशन एज ए मीन्स ऑफ प्रमोटिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेंट अमंग सिटीजन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एजुकेशन जो होता है, एजुकेशन के थ्रू हम ऐसा डेवलपमेंट ला सकते हैं लोगों के अंदर कि एक अच्छे सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं, एक अच्छा हर हर आदमी इंडिविजुअली एजुकेशन के थ्रू अच्छा हो सकता है, अगर वो आदमी मतलब एजुकेटेड हो जाए, अच्छा का मतलब क्या है, एजुकेटेड हो जाए, ठीक है, और अगर अगर हर आदमी एजुकेटेड हो जाएगा तो उसका पॉलिटिकल डेवलपमेंट में अपना अपना योगदान होगा, क्या क्या हो सकता है, वो पॉलिटिकल चीज़ों को अवेयर कर सकता है, अवेयरनेस ला सकता है, ठीक है, उन चीज़ों में अवेयरनेस मतलब जैसे इंगेजमेंट कर सकता है, इंगेजमेंट का मतलब कि उसमें भागीदारी निभा सकता है, कोई भी पॉलिटिकल इशू आ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि कोई नीति आई अच्छी नहीं थी तो हमें क्या करना है, हमें उसमें इंगेज रहना, हमें बताना है गवर्नमेंट को कि ये सही है कि नहीं सही है, ठीक है, और अवेयरनेस फैलानी है पॉलिटिकल चीजों के लेके, जो ये सब कौन कर सकता है, जो पहले तो पॉलिटिकल को पॉलिटिक्स को समझेगा कौन करेगा, जो एजुकेटेड रहेगा, ऐसा नहीं कि जो मैंने कल जो उदाहरण बताया कि शराब साड़ी कपड़े पे बिकने वाले उस टाइप के लोग नहीं चाहिए, ठीक है, हम लोग को हमारे समाज को एजुकेटेड लोग चाहिए जो अपनी बुद्धि दिमाग से रैशनल थ्योरी के थ्रू
वो चीजों को समझ सके और पार्टिसिपेट कर सके एमंग सिटीजन्स, जो हमारे सिटीजन है सबके बीच में कोई ना कोई पार्टिसिपेट कर सके उसमें, ठीक है। तो इसलिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। छह बजे डेली क्लास हो रही है राखी, 6 बजे की क्लास तो डेली होगी, मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि हम लोग का पहले से टाइम हुई था 6 बजे वाली, और 10 बजे वाली इसलिए होती है क्योंकि हमें कोर्स कंप्लीट करना है, तो एक्स्ट्रा क्लास में ले लेती हूँ आजकल। ओके, देखिए डेली वाले बहुत सारे बच्चे हैं जो डेली शाम को आ रहे हैं। द गोल्स ऑफ एजुकेशन फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट, क्या क्या है गोल्स होते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट के? डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इंक्रीजिंग पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल प्रोसेस सच एज वोटिंग, एक्टिविज्म एंड पब्लिक डिबेट। एजुकेशन का क्या रोल है उसमें? एजुकेशन का रोल ये है कि जो एजुकेटेड पीपल होंगे वो क्या करेंगे, एक उनका अपना अलग अंडरस्टैंडिंग होगा, उनका अलग लोकतंत्र होगा, प्रिंसिपल है किसी भी पॉलिटिकल चीजों के ऊपर, ठीक है। और ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, वो अच्छे से वोटिंग कर पाएंगे, अच्छे से एक्टिव रह पाएंगे और अच्छे से पब्लिक डिबेट कर पाएंगे, अपनी चीजों को समाज में रख पाएंगे, ठीक है। जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, उसके सामने अपनी चीजों को रख पाएंगे। प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंफॉर्म डिसीजन मेकिंग, एजुकेशन के द्वारा क्या होता है कि हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होती है, मतलब हम रेशनली तरीके से चीजों को सोचते समझते हैं, ठीक है। तार्किक तरीके, क्रिटिकल का मतलब क्या होगा, तार्किक तरीके, तो आलोचनात्मक तरीकों से हम चीजों को सोचते समझते हैं और हम अपने हिसाब से डिसीजन लेने का काम करते हैं कि किसकी राजनीति अच्छी है, किसकी नहीं अच्छी है, कौन हमारे समाज के लिए अच्छा नेता है और कौन हमारे समाज के लिए अच्छा नेता नहीं है। अच्छा, हिंदी में तो दिखाते हैं राखी, ठीक है। इंक्रीजिंग रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्स ओपिनियन एंड पर्सपेक्टिव, और जो समाज में जो अलग अलग तरीके की विचारधारा है, लास्ट पॉइंट देखिएगा, विविध विचारों और दृष्टिकोणों के लिए सम्मान और प्रोत्साहन करना, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अब हमारे समाज में क्या है, हमारे समाज में बहुत अलग अलग विचारधारा है, ठीक है। और अगर हमारा जो पॉलिटिकल लीडर है वो अच्छा एजुकेटेड रहेगा तो वो सबके बारे में सोचेगा, सिर्फ अपने को लेके नहीं चलेगा, वो अलग अलग जो विचारधारा है उनको ध्यान देगा, सबका अलग अलग दृष्टिकोण है उसको भी ध्यान देगा। कुछ हद तक सहमत है आपसे, और क्या होगा, और पॉलिटिकल लीडर जो अच्छा होगा, उस एजुकेटेड होगा, उसका क्या होगा, उसकी जो सोच होती है वो अच्छी होगी और जो निर्णय लेने की क्षमता है वो भी अच्छा होगा, ठीक है। और ये एजुकेशन जो मतलब सिविलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो हमारे सोशल समाज के लोग हैं, जैसे हम आप लोग हैं, हम लोग एजुकेटेड रहेंगे तो हम लोग की भी सोच अच्छी होगी और हम लोग के भी अंदर डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी होगी कि हमको कौन सा नेता चुनना है और कौन सा, कौन हमारे लिए अच्छा है कौन सा नहीं। ऐसा ना हो जो भी आतिक वाला कांड हुआ है, ठीक है, उस टाइप का नेता आगे से ना चुना जाए। वो कौन चुना, हम लोग चुने हैं उसको, ठीक है। कितना बड़ा मर्डर था, मतलब सारे गंदे चार्ज उनके पे लगे हुए थे, तो ऐसा नेता नहीं चाहिए। मतदान सक्रियता और सार्वजनिक बहस जैसी राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी को प्रोत्साहन करना, अगर हम एजुकेटेड होंगे तो हम अपने वोटिंग पावर है उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे, ठीक है। मतदान करेंगे, हम सक्रिय रहेंगे, और सार्वजनिक बहस जैसे जो जो डिबेट वगैरह होती है, आप देखते हैं आपके जो डिबेट हर जगह होती है, ठीक है। सबसे अच्छी अगर डिबेट आपको देखनी है तो कहाँ देखनी है, सबसे अच्छी डिबेट होती है चाय की दुकान पे, नुक्कड़ पे, कभी आप बैठ जाइए फिर देखिए वो लोग कैसे राजनीति की बातें करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सुनने को मिलेगी उसमें। तो जो हमारा समाज के डिबेट है तो वो कौन लोग करेंगे, जो लोग सोच रहे हैं समझ रहे हैं वो अच्छी तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। डिबेट भी बहुत तरीके से होती है, किसी एक पार्टी को आप आंख बंद करके सपोर्ट कर रहे हैं वो अलग बात है, और आप देश की राजनीति को, आप एजुकेटेड हैं तो आपका ये नहीं कि किसी एक पार्टी को आंख बंद करके सपोर्ट करना है कि वो मेरी कास्ट का है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें अच्छे से डिबेट करनी, मतलब रैशनली चीजों को क्रिटिकल तरीके से हमें सोच समझ के चीजों में भागीदारी करनी है, तो ये तभी होगा जब हम एजुकेटेड रहेंगे। लोकतांत्रिक सिद्धांतों और
और संस्थानों की समझ विकसित करना, ठीक है। लोकतांत्रिक जो सिद्धांत है, जो हमारे पास जो पावर है, हमारे पास जो डेमोक्रेटिक पावर दी गई है संविधान के द्वारा, तो वो हम लोग तभी समझेंगे जब हम एजुकेटेड रहेंगे। अब हम लोग देखते हैं एजुकेशन फॉर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ये शायद आपका लास्ट टॉपिक होगा। हाँ, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। अच्छा बताइए, कितने लोग के पास सिलेबस आ गया? आप लोग प्रिंट करा के सिलेबस रखे हैं कि नहीं? हाँ, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी चीजें बोल दूं ताकि आप लोग को वो चीजें आप याद रहें, ठीक है। अभी मैं आपको एक थ्योरी पढ़ाने वाली हूँ यूनिट 9 में, उसे मैं बताऊंगी एक बहुत अच्छी चीज, उसको मैं लिख के ले आई हूँ इसलिए मैं भूल ना जाऊँ वाला एग्जाम्पल। दो स्लाइड खुलती है ना तो बीच बीच में ये आ जाता है एडिट का ऑप्शन। अब हम लोग देखते हैं लास्ट पॉइंट है यूनिट 2 का। ठीक है, गुड। जिसके पास है बहुत अच्छी बात है, और जिसके पास नहीं है वो बस प्रिंट करा के रख ले, ठीक है। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, सिर्फ 4 पन्ने का सिलेबस है, ठीक है। 20-25-30 रुपए में आपका हो जाएगा सिलेबस प्रिंट, ठीक है। नहीं होगा तो 50 में होता होगा, जो भी होता होगा। तो आप लोग करा के रख लीजिए उसको, ये बहुत जरूरी है। और जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, PYQs लगा रहे हैं, आप अपना कोई नोट्स बना रहे हैं, मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप उसमें देखते जाइए कि किसका किसका सिलेबस, मतलब कौन से यूनिट के कौन कौन सा हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, कौन सा मेरा छूटा कौन सा नहीं छूटा, क्या हुआ कैसे हुआ, वो आप अपने से केयर करिए, ठीक है। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही, जो चीज़ें हो सकता है मुझसे भी छूट गई हूँ, वो चीज़ें मुझे आप इन्फॉर्म करिए, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कोई चीज़ छूटे नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा हो गया तो मैं बता रही हूँ। क्या नहीं निकलेगा? और ये भी है, आप लोगों ने पता नहीं नोटिफिकेशन देखा कि नहीं देखा, जो हम PDF भेज रहे हैं, ठीक है, जो PDF भेज रहे हैं वो आप अब लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये नया फीचर आ गया है ऐप में। पहले क्या था कि जो PDF वगैरह थी वो आप डाउनलोड नहीं कर सकते, अब अपनी क्लास डाउनलोड नहीं होती थी, अब वो क्लास भी डाउनलोड हो रही है और PDF भी डाउनलोड हो रही है। हाँ, नोट जो डाला है वो प्रिंट आउट हो जाएगा। और अब मैं पहले क्या था कि नोट्स थोड़ा ज्यादा ज्यादा मैं दे देती थी, ठीक है, कि ताकि बच्चे थोड़ा और अच्छे से उसको समझ ले। लेकिन अब क्या, मैं कोशिश करूंगी कि जो मैं स्लाइड बना रही हूँ वही दूं, मतलब कि छोटे से छोटे कर में दूं, लेकिन इतना भी छोटा ना करूं कि टॉपिक ही छूट जाए, ये भी रहेगा। तो इसलिए आप लोग को नोट्स अगर आप निकलवा लेंगे तो आप लोग को लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने से थोड़ा नोट्स बनाएंगे, उस पॉइंट को नोट करेंगे, तो लिखते समय भी कुछ चीजें याद होगी आपको। और जब अपनी नोट्स आदमी पढ़ता है ना, तो वो अपनी हैंड राइटिंग उसको दिमाग में छप जाती है और एग्जाम में फिर वो याद है, तो वो ज्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन जो लोग नहीं चाह रहे हैं इतना करना, तो PDF डाउनलोड करके निकलवा लीजिए। हाँ, सारे सारे डाउनलोड हो जाएंगे ये जब ऐप में, वैसे मैं डाउनलोड की नहीं हूँ, लेकिन जब ऑप्शन आया तो सारे डाउनलोड हो जाएंगे। आपके ग्रुप में ना, आपके आपके ग्रुप में, एक मिनट, अच्छा रुके मैं प्रॉब्लम आपके सॉल्व कर दूँ। एक मिनट रुकिए, जब आप अपना ग्रुप खोलेंगे, जब अपना फिलर फॉर्म आप खोलेंगे, तो फिलर फॉर्म खोलते ही जो चैट का ऑप्शन आता है, ठीक है, तो आप लोगों में दो चीज दिखाता होगा चैट के ऑप्शन में। एक आपका दिखाता होगा जो डायरेक्ट फिलर फॉर्म का चैट है, चैट बॉक्स है, ठीक है, जो दिखाता होगा जितेंद्र गोस्वामी करके। उसमें आप में न्यूज आई होगी, कल गूगल मीटिंग है 10 AM, लिंक आएगा, उसमें सबको ज्वाइन करना, ये है। इसी में आप जब ऊपर देखेंगे ना, तो इसमें इसमें दिया गया है कि आपको PDF कैसे डाउनलोड करनी है। इसमें दिया है कि टेक PDF प्रिंट आउट, मेरे मोबाइल में दिख रहा है, इस ग्रुप में आप जाके उसको आप देख लीजिए कि कैसे आपको PDF का प्रिंट आउट लेना। इसमें स्टेप वाइज सब चीज लिखा है, और फिर भी ना समझ में आए आपको तो क्या करना है, आपको फिलर फॉर्म में कॉल करनी है, ओके। कॉल करके आप वहां से भी पता कर सकते हैं कि कैसे करना है, अगर उसमें समझ में प्रोसेस आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। अब चलिए हम लोग आते हैं पॉइंट पे, अपने आते हैं। आ गया सबको समझ में?
मिनट मैं खोल लूँ। लास्ट पॉइंट देखते हैं इस यूनिट का, एजुकेशन फॉर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। एजुकेशन जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हो रहा है उसके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, मतलब भी देख लीजिए। चलिए, राजनीतिक समाजीकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीतिक मूल्यों, दृष्टिकोणों और व्यवहार को सीखते और आत्मसात करते हैं। ठीक है, राजनीतिक समाजीकरण विभिन्न चैनलों जैसे परिवार, स्कूल, साथियों, मीडिया और राजनीतिक संस्थानों के माध्यम से होता है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कैन अकर थ्रू वेरियस चैनल। ठीक है, जो हमारा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है मतलब राजनीति का जो समाजीकरण है, राजनीति का समाजीकरण से मतलब है कि जो राजनीति की प्रोसेस है। ठीक है, राजनीति में क्या अच्छा हो रहा है, क्या नहीं हो अच्छा हो रहा, कैसे होता है वो, कैसे वो कैसे है? वो उनकी जानकारी जब समाज को हो जाए, ठीक है, तो वो हो गया राजनीतिक समाजीकरण। ये कैसे होता है, विभिन्न चैनलों, चैनल को इसमें क्या बोला, जैसे परिवार, स्कूल, हमें राजनीति के बारे में नॉलेज कहाँ कहाँ से मिलती है, चैनल से मिलती है, जैसे कि मतलब बहुत सारे जो चैनल हैं, ठीक है, आज तक हो गया, एबीपी न्यूज हो गया, ठीक है, इंडिया टीवी टीवी हो गया, जो भी आप देखते हो, उन चैनलों के माध्यम से भी हमें राजनीति के बारे में पता चलता रहता है। और कैसे, हमें परिवार में आपके जो भी लोग हैं, ठीक है, वो लोग भी बात करते रहते हैं क्या चल रहा है, तो हमें उससे भी थोड़ी बहुत राजनीति की नॉलेज मिलती है। और क्या, हमें स्कूल से नॉलेज मिला, हमें साथियों से मिला, हमें मीडिया से नॉलेज मिला, ठीक है, राजनीतिक संस्थानों के द्वारा नॉलेज मिला। राजनीतिक संस्थानों का मतलब है कि जैसे कांग्रेस पार्टी का अपना कोई ट्विटर हैंडल है, ठीक है, तो वो भी उससे पोस्ट करते रहते हैं, उनका यूट्यूब चैनल है तो उससे भी पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है, बीजेपी वाले भी अपना प्रचार करते रहते हैं, वो भी अपनी चीजें डालते रहते हैं। हाँ, गुड, तो इन लोगों से हमको पता चलता रहता है कि समाज में क्या क्या चीजें हो रही हैं, पॉलिटिकल चीजों को लेकर क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है, तो मतलब जो हमें शिक्षा मिली कहाँ से मिली, वो हमें मिली सोशल से मिली, और हमारा जो सोशलाइजेशन हुआ पॉलिटिकल चीजों को लेके वो किससे हुआ, वो हमें समाज से वो नॉलेज प्राप्त हुई। तो ये हो गया आपका, ठीक है, और ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था। चलिए अब हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करते हैं, यूनिट 8। यूनिट 8 आपका है एजुकेशनल मैनेजमेंट। अच्छा, हमको एक चीज और बतानी थी ना विज्ञान के लिए, उसमें कुछ था नहीं हुई है। बजटिंग का टॉपिक था वो जो आप पूछे थे। यही था मेथड ऑफ बजटिंग। बजटिंग को कैसे, मतलब किस किस मेथड से बनाया जाता है, इसमें 4 मेथड दिए हुए थे। ओके, एक आपका है शून्य आधारित बजट, यही था ना अभिज्ञान। शून्य आधारित बजट का मतलब क्या हो गया। ओके, शून्य आधारित बजट, इसमें देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक वर्ष शून्य से शुरू करना और आगामी अवधि के लिए जरूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर धन आवंटित करना शामिल है। इसमें ये हो गया कि हर वर्ष, जैसे कि अभी हम लोग, अभी हमारा जो नया सेशन स्कूल का चल रहा है 2023 वाला जो नया सेशन चल रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हमको बजट बनाना है। तो कब बनाना, ये सेशन क्या होगा, 2023 और 2024 के लिए, एक साल के लिए बजट बना, ठीक है, तो शून्य से शुरू करके, मतलब कि 2023 के अगर हम अप्रैल से अपना नया स्कूल शुरू किए, अपना नया सेशन स्कूल में शुरू कर लिए, तो उसके पहले का 2022 का वाला जो था उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे, वो बजट क्लोज हो जाएगा। एक एक साल का हम बजट बना रहे हैं तो वो बजट क्लोज हो जाएगा, और जब नया सेशन चल रहा है तो हम शून्य से स्टार्ट करेंगे, ठीक है,
मतलब उस बजट को, पिछला बजट से अगर कुछ चीजें बची हैं या भी जो भी स्कीम है जो भी नहीं लागू हो पाई, जो हमारे पैसे बचे, उस चीज को सबको बजट को क्लोज करके हम नया बजट स्टार्ट करेंगे जीरो से। मतलब फिर से हम उसका प्लान बनाएंगे कि हमें कितनी, हमारे पास अगर 1 लाख रुपया है तो हमें कहाँ कहाँ किन किन चीजों पर खर्च करना, प्रत्येक वर्ष शून्य से शुरू करके आगामी अवधि के लिए। ज्यादातर स्कूल में और कॉलेजेस में ऐसे ही बजट बनता है, मतलब कि 1 साल का बजट बना, 1 साल में जो जो चीजें काम हुई उस पे हुआ, और उसके बाद वो बजट क्या हुआ, क्लोज हो गया, फिर नया बजट शुरू हुआ। ठीक है, तो अगर इस टाइप का बजट बनता होगा तो उसको बोलेंगे कि शून्य आधारित बजट, प्रत्येक वर्ष शून्य से शुरू करना है और आगामी अवधि के लिए जरूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर धन आवंटित करना है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, वृद्धिशील बजट। ये क्या होता है? प्राथमिकताओं या खर्चों में बदलाव के लिए पिछले वर्ष के बजट में छोटे समायोजन करना। ठीक है, जैसे कि हम कोई बजट बनाए तो पिछले वर्ष का बजट कुछ बच गया। ठीक है, बदलाव के लिए पिछले वर्ष के बजट में छोटे समायोजन करना, कुछ चीजें बच गई, जैसे कि कुछ पैसा बच गया, कुछ पॉलिसी जैसे कि कम लागू हो पाई। ठीक है, उसमें ज्यादा हम फोकस नहीं कर पाया कोई भी इंस्टीट्यूट, तो उसके जो पैसे हुए तो हम क्या कर सकते हैं कि पिछला पैसा हम आगे वाले बजट में डाल देते हैं, या फिर कोई स्कीम हुआ जो आगे काम नहीं कर पाई तो हमारा ये भी हुआ कि हमारा एम हुआ कि हम इसको भी इस बजट में डाल के थोड़ा आगे इसको बढ़ा देंगे। ये वृद्धिशील मतलब कि हमेशा उसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये नहीं हो रहा है शून्य आधारित बजट की तरह कि बजट को क्लोजिंग कर दी गई, ऐसा नहीं होगा, उसमें वृद्धि हो रही है जगह जगह बीच बीच में, उस चीजों को, पिछली चीजों को भी ध्यान में रख के हमको अपने बजट में वृद्धि करनी है। ठीक है, प्राथमिकताओं और खर्चों में बदलाव, जैसे इसका हुआ कि मतलब कि कुछ खर्चा था उसमें कम था। ठीक है, इसमें हमको खर्चा ज्यादा लग रहा है तो पिछले का जो पैसा रुपया बचा था वो हम इसमें लगा दिए। हमारी जो प्राथमिकता है कि हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पिछले बजट में उतने पूरे नहीं हो पाए, तो उसको हम आगे आने वाले मतलब 23-24 वाले बजट में लगा दिए। तो ये हो गया वृद्धिशील, मतलब कि पिछले वाले से सीख लेके आगे वाले को चलाना, एक तरह से आप ऐसे कनेक्ट करके समझिए उसको। अब हम देखते हैं गतिविधि आधारित बजट। इसमें क्या है, इस विधि में प्रत्येक गतिविधियां या कार्यक्रम की लागत का विश्लेषण करना। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या हो गया, 2023-24 के बजट, बस एक ही एग्जाम्पल लेके हम चारों समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग को ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। गतिविधि आधारित में समझिए कि 2023-24 का बजट हमारा चल रहा है हमारे कॉलेज में, तो इस विधि में प्रत्येक गतिविधियां या कार्यक्रम की लागत का विश्लेषण करना। तो हम बजट बनाए 2023-24 के लिए बजट बनाए, तो उस बजट में हमको क्या क्या गतिविधियां करनी है। हमको स्कूल का बिल्डिंग बनाना है। ठीक है, हमको स्कूल के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ाना है, हमको उसके लिए बस खरीदना है। ओके, हमको टीचर की सैलरी बढ़ानी है, पिछले साल की सैलरी कम थी तो अब महंगाई बढ़ गई है तो हमें सैलरी बढ़ानी है, जो कुछ भी हो आपके दिमाग में। ठीक है, तो जो गतिविधियां हो रही, जो कार्यक्रम का लागत लग रहा है, ठीक है, कोई हमें कार्यक्रम कराना, बच्चों के लिए कोई प्रोजेक्ट वर्क का बहुत बड़ा कार्यक्रम कराना। ठीक है, हमें जैसे हम लोग के स्कूल में होता था कि 26 जनवरी 15 अगस्त होता था, तो वही कार्यक्रम का होता था, तो उसमें लागत लगती थी। तो लागत कहाँ से आती थी, स्कूल के बजट से ही लागत आती। उसके लिए 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाने के लिए स्कूल वाले बच्चों से तो फीस नहीं बढ़ाते हैं ना, वो अपने ही बजट में क्या करते हैं, पहले से शामिल होता है कि हमें इतना पैसा खर्चा करना है। ठीक है, किसी चीफ गेस्ट को बुलाना होगा कार्यक्रम में तो वो भी तो पैसा लेगा, तो उसको करना है, क्योंकि किसी सिंगर को बुलाना है मान ली, तो सिंगर तो ऐसे आएगा नहीं, वो तो पैसा लेके आएगा। तो उसका जो बजट हुआ, तो सारे बजट को क्या है कि जो हमारी प्रत्येक गतिविधियां उसमें पहले हम विश्लेषण कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, तदनुसार संसाधनों को आवंटित करने के लिए उस जानकारी का उपयोग करेंगे। मतलब कि जो हमारे संसाधन है उसको हम आवंटित कर दिए, कितना पैसा इसको देना है, और उसकी जानकारी का उपयोग करेंगे। ठीक है, मतलब सब तरीके से कि हम पहले ही हमारी जो गतिविधियां हो रही हैं उसको हम विश्लेषण कर लेंगे, उसको कहीं लिख लेंगे, और उसी हिसाब से हम अपना खर्चा करेंगे, कहाँ कहाँ हमको खर्चा करना है, ये हो गया बजट। ठीक है, गतिविधि मतलब कि वो जो हमारा रेगुलर चीजें हो रही हैं उसको हम एक तरीके से रिपोर्टिंग करते रहेंगे। अब हो जाएगा रोलिंग बजट। रोलिंग बजट क्या है, इस विधि में एक बजट बनाना शामिल है जो एक विशिष्ट अवधि को कवर करता है। ओके, जैसा कि एक तिमाही, ये तो बहुत नॉर्मल सब हो गया ना, ये तो समझ में आ गया होगा कि एक बजट बनाना शामिल है जो एक विशिष्ट अवधि को कवर करता है, जैसे कि एक तिमाही या एक वर्ष या फिर बदलती परिस्थितियों के लिए इसे नियमित आधार पर संशोधित करना। जैसे कि हम कोई बजट बनाते हैं, ठीक है, तो अभी तो मैंने बताया कि बजट ज्यादातर 1 साल के लिए बनता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि हर हर स्कूल का, हर इंस्टीट्यूट का, या आपके घर का समझ लीजिए, हर आदमी की परिस्थिति अलग अलग है। ठीक है, किसी के घर कम पैसा आ रहा है तो वो 1 महीने का बजट बना के चलेगा। ठीक है, किसी
किसी के घर में ज्यादा पैसा आ रहा है तो आगे का भी प्लान कर लेता, बजट का 2-3 महीने का बना लिया है। ऐसे स्कूल में भी हुआ, कभी कभी क्या हुआ कि 1 तिमाही का बजट बना लिया। मान लीजिए कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कोई डिप्लोमा कोर्स करा रहा है, 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स करा रहा है, तो वो अपना बजट क्या करेगा, वो 6-6 महीने के हिसाब से बनाएगा ना। वो तो 1 साल का बनाएगा, यानी कि 2 डिप्लोमा कोर्स का अवधि एक ही में बजट में बना दिया कि हमको 2 साल का ये काम करना है, तो वो गलत होगा, ठीक है, बजट क्या है, गड़बड़ हो जाएगा उसमें। तो इस तरह है कि जिस हिसाब से जरूरत पड़ी उस हिसाब से हम किए, हम पहले 1 तिमाही का बना लिए, फिर हमको उसकी जरूरत नहीं लगी तो हम 1 वर्ष का भी बना लिए। तो बदलती परिस्थितियों के लिए इसमें नियमित आधार पर संशोधित किया जाता है। ये क्या हुआ, रोलिंग का काम किया। ओके, ये हो गया रोलिंग बजट। आगे समझ में ये वाला पॉइंट, और बाकी लोग को भी समझ में आ गया जो लोग जुड़े हैं। वेलकम। ओके, और बाकी लोग भी बता दें, तब तक हम दूसरी स्लाइड पे चलें। यूनिट यूनिट एट यूनिट एट नहीं यूनिट यूनिट नाइट है, ठीक है, 9 वाले। दिनेश, आज आप बोल नहीं रहे हैं। दिनेश, सोनी, भारती, आप लोग भी बताइए, राखी। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट यूनिट क्या है हमारा, एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। ओके, एक मिनट में फिर से खोलूं, मजा नहीं आ रहा इसमें। आज दिनेश कहाँ चले गए? दिनेश आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? दिनेश है कि नहीं ग्रुप में, पहले ये देखे थे, है तो दिनेश, दिनेश राखी, जो लोग पीवाईक्यू नहीं लगाए हैं वो आज और कल 2 दिन टाइम है उनके पास, पीवाईक्यू लगा लें, क्योंकि मंडे को सबका रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा। नहीं, जो मैं पढ़ा रही हूँ बजटिंग का पार्ट था, ठीक है, जो जो यूनिट चल रही थी उसी यूनिट का था। चलिए अब हम लोग देखते हैं यूनिट 9। ओके, जो मैंने पढ़ाया वो किसका पार्ट है, यूनिट 2 का पार्ट था। ओके, बजटिंग। अब हम लोग आ गए यूनिट 9, मतलब आप लोग कितनी यूनिट खत्म होगी बताइए, कितनी यूनिट हमने खत्म कर लिया। अब हम लोग देखते हैं यूनिट 9, एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। ओके, एजुकेशनल मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, शैक्षिक प्रबंधन। ठीक है, जो हमारी शैक्षिक गतिविधियां होंगी, जो स्कूल में जो चीजें हमको पढ़ाई लिखाई जा रहे हैं उसका क्या है, उसका कुछ ना कुछ प्रबंधक है। पेपर 1 के लिए तो सब जानते हैं, बस एक ही बुक होती है, KVS मदान की, ठीक है। एंड पेपर 2 के लिए
पेपर टू के लिए कोई स्पेशल बुक तो नहीं है, ठीक है, अलग अलग चीजों का अलग अलग पढ़ा है मैंने, कोई ऐसा स्पेशल बुक नहीं है। आप लोग अरिहंत की बोल रहे थे तो अरिहंत की बुक से भी मैंने पढ़ाई की है, तो अरिहंत आप ले लीजिए, ठीक है। एक गाइड आपके पास रहेगा तो ठीक रहेगा, थोड़ा सा गाइडेंस उससे मिलता रहेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में अरिहंत की बुक अवेलेबल है। हाँ, सिक्स पूरी 6 यूनिट हम लोग खत्म कर लिए हैं, सोचिए हम लोग आ गए 7th यूनिट पे आ गए, 7, 8, 9, 10, हम लोग के पास सिर्फ कितनी 4 यूनिट और बची है, तो 15 दिन में तो हम लोग 4 यूनिट खत्म कर लेंगे। 15 दिन का मतलब है कि 30 दिन पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, दो दो क्लास करनी है। एक एक लेकिन आप लोग बुक ले लीजिए, ठीक है, जो भी समझ में। अरिहन ठीक है, अरिहन का आप ले लीजिए, अरिहन से पढ़ा है मैंने तो इसलिए बता रही हूँ, अरिहन ठीक है, अरिहन ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं है कि हम अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बुक पे जाए, और उतना जरूरी भी नहीं है उतना पढ़ना। हाँ, मैं पढ़ा रही हूँ, अरिहन से थोड़ा बहुत देख लीजिए आप, जो चीजें नहीं समझ में आई उसके लिए थोड़ा बहुत आप गूगल कर लीजिए, थोड़ा बहुत यूट्यूब के और सारे भी वीडियो पड़े हुए हैं आप उस पर भी देख लीजिए। पढ़ाई हमें क्या है, एक जगह से नहीं करनी है, हमें सोर्स बहुत सारे इसके सोर्स है, ठीक है। बोला जाता है ना कि ज्ञान जो है ना वो हर जगह फेंका पड़ा है, बस हमें जरूरत है कि हम लेकर चले रहे हैं। ओके, ज्ञान हर जगह, जो मैं यूनिट 9 पढ़ा रही हूँ ये बहुत सारे यूट्यूब के वीडियो हैं, आप कहीं से भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात है कि आपने कोचिंग ज्वाइन की है तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपको पढ़ना है, ठीक है, और अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं अच्छे से समझा ले जाऊंगी आपको, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ठीक है, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछिए, मैं तो बताऊंगी बताऊंगी, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपके पास क्या है, आपको तो एग्जाम क्रैक करना है ना, तो आपको बुक का सहारा लेना पड़ेगा, आपको गूगल का सहारा लेना पड़ेगा, आपको यूट्यूब का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बातें जो है ना कि बहुत घुमा फिरा के मुझे नहीं कहने आती, मैं सीधे सीधे बता दे रही हूँ कि नहीं समझ में आ रहा तो आपको कहीं ना कहीं का सहारा लेना पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमको हमारा जो एम है वो क्या है, हमें जियारत निकालना है, और उसके लिए हम कहीं से भी नॉलेज लें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको बस जियारत लेना है। आप लोग के दिमाग में ये होना चाहिए और कुछ नहीं, और मैं क्या हूँ, मैं एक तरह से आपकी गाइडेंस कर रही हूँ बस आपको, ठीक है, कि ये चीजें होती हैं, इसका ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे आपको प्यूआई कुछ लगाना है, ऐसे ये करना है, ओके। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि कॉन्सेप्ट में अच्छे से इजी वे में बता सकूँ। एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या करना है, हम लोग को शैक्षिक प्रबंधन के बारे में पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, हिंदी थोड़ा देख लो, प्रशासन बोलते हैं, प्रशासन, ठीक है। कि जो आपका, आप अपने स्कूल के बारे में सोच के चलिए, ठीक है, अपने स्कूल के बारे में सोचिए, आपका जो स्कूल चल रहा है उसका कुछ ना कुछ प्रबंधन है, मतलब मैनेजमेंट कमेटी होगी, आपको मैनेज कर रही है, ठीक है, उसका एक प्रशासन होगा, कि कौन उस पर शासन कर रहा है, कौन सबसे ऊपर है, तो इस सबके बारे में पढ़ना। और क्या जरूरी होता है, लीडरशिप, और सबको, और इन इन लोगों को लीडर कौन करता है, एक लीडर होता है, एक लीडरशिप होता है उसमें, जो सबको लीडर करता है, मतलब गाइडेंस करता है, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं, आज हम लोग पढ़ लेते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या है, इसके फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ये चीजें पढ़ लेते हैं हम लोग। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग पढ़ेंगे, ओके। और एक चीज और पढ़ने की कोशिश करेंगे अगर टाइम रहा तो, टाइम इतना ही है, 10 मिनट बचा है सिर्फ, पोस्ट कॉर्ब के बारे में पढ़ लेंगे, ओके। मेरा टारगेट था यहाँ तक पढ़ाने का, लेकिन देखिए कहाँ तक हो पाते हैं, ठीक है। हिंदी देख लेते हैं, शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन, इसको पढ़ना है हम लोग को, अर्थ सिद्धांत, कार्य और महत्व के बारे में जानना है, और संस्थागत निर्माण के, मतलब जो स्कूल की जो बिल्डिंग बनती है वो कैसे बनती है। आप लोग को एजुकेशनल बिल्डिंग से लग रहा होगा कि हाँ ये यूनिट थोड़ी सी बड़ी है, ये तो थोड़ी बड़ी है यूनिट, ठीक है, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो संस्थागत बिल्डिंग, एक स्कूल की जो बिल्डिंग है तो उसको बनाने में सिर्फ ईंट पत्थर का ही उपयोग नहीं होता है, उसको बनाने में 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक क्या होता है, एक भौतिक मटेरियल जो होता है उसकी जरूरत पड़ती है, ओके। और किसकी जरूरत पड़ती है हमको, और पड़ती है हमको इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, कल्चर की जरूरत पड़ती है, और एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, प्रशासन और प्रबंधन की जरूरत पड़ती है। तो ये चीज हम लोग पढ़ेंगे इसमें, अभी हम लोग एक एक करके देखते हैं। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट रिफर टू एनी सिंगल प्रोसेस और एक्ट, ओके, इट इज लाइक ए ब्रॉड अम्ब्रेला, ठीक है। जैसे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है
कोई भी है अब। कोई भी आपके स्कूल का एडमिन है, ठीक है, मतलब जो मेन है उसका, जो आपका स्कूल बनाया है एडमिन है, ठीक है। तो जो एडमिन हो गया आपका, वो क्या हो गया, वो सारा काम वो अकेले नहीं करता है, वो नॉट एनी सिंगल प्रोसेस है, वो कोई भी काम, एक भी काम वो अकेले नहीं करता है। हाँ और क्या, हम है ना, हम तो कर ही सकते हैं ना, हम लोग सब लोग मिलकर करेंगे उसको। तो जो एडमिन है वो कोई भी काम अकेले नहीं करता, वो कैसे करता है, उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, वो क्या हो जाता है, एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है, ठीक है। वही चीज लिखा हुआ है कि लाइक ए ब्रॉड अम्ब्रेला, एक बड़े अम्ब्रेला की तरह काम करता है। आपके स्कूल का जो भी आपका स्कूल बनाए होंगे, ठीक है, मैनेजर सकते होंगे आपके स्कूल का, तो उन्हीं के भरोसे तो स्कूल नहीं चलता है ना, उसमें मैनेजमेंट कमेटी है, ठीक है, वो बनाती है, टीचर है, स्टूडेंट है, स्कूल की बिल्डिंग है, तो ये सब मिल के आपके स्कूल का निर्माण करती है। तो इस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम चलता है, किसी एक के भरोसे एजुकेशन सिस्टम नहीं चलता है। इट इज लाइक ए ब्रॉड अम्ब्रेला इन्वेसिस एंड इनकम्पनसिंग ए नंबर ऑफ प्रोसेस सच एज प्लानिंग। इसमें क्या क्या होती है, प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, कोऑर्डिनेटिंग होती है, और कंट्रोलिंग होती है, और क्या होता है, इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस। जो एडमिन होता है उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है कि जो लोग इनके अंदर आ रहे हैं, अम्ब्रेला के अंदर आ रहे हैं, मतलब जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके स्कूल का एडमिन है, ठीक है, मतलब कि जो प्रबंधक है, ठीक है, जो स्कूल बनाया आपके स्कूल का, उनके नीचे बहुत सारे लोग हैं, उनके नीचे आपका क्या हो गया, जैसे प्रिंसिपल सर हो गए, ठीक है, और टीचर हो गए, और भी बाकी जो प्यून हो गए, और बाकी के जो स्टाफ हो गए वो हो गए, तो सब मिल के एडमिन के अंदर आते हैं। और एडमिन का क्या काम है कि उनको क्या करेगा, उनको प्लानिंग के बारे में बताएगा कि हमारे स्कूल का एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, कैसे प्लानिंग करना चाहते हैं, और उस चीज को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, और लोगों को डायरेक्ट करता, और कोऑर्डिनेशन मतलब कि एक साथ मिलके सब मिलके उसमें काम करेंगे, कंट्रोल करेगा और इवेल्युएटिंग करेगा परफॉर्मेंस को, और बाकी ये लोग जो हैं उनके परफॉर्मेंस को क्या होता है, इवेल्युएट किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, वो एडमिन के द्वारा किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जाता है। इसको हिंदी में थोड़ा देख लीजिए, यह शब्द प्रशासन किसी एक प्रक्रिया या अधिनियम को संदर्भित करता है। यह एक व्यापक छतरी की तरह है जिसमें कई प्रक्रियाएं शामिल हैं, जैसे कि योजना बनाना, आयोजन करना, निर्देशन करना, समन्वय करना, नियंत्रण करना और प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। प्रशासन का ही मतलब ये हो गया एक तरह से, आप देखिए कि शासन करना, ठीक है, जो हमारी जनता है उसके ऊपर शासन करना। तो वो शासन कैसे होगा, वो हिटलर वाला नहीं करना है उसमें, ठीक है, उसमें अच्छे से सबका हम क्या करेंगे, सबका हम समन्वय करेंगे, हर लोगों के बारे में जानेंगे, कोऑर्डिनेशन करके चलेंगे, नियंत्रण भी करना पड़ेगा लेकिन एडमिन को, कि मतलब कि बहुत ज्यादा किसी को पूरी पूरी नहीं करना है, छूट एकदम नहीं देना है, कि अपने हिसाब से टीचर पढ़ाया जा रहा है उसको नियंत्रित भी करना है, और उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन भी करना है, और चीजों का आयोजन भी करना है, जैसे कि आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम हुआ तो उसका आयोजन भी कौन करेगा, प्रशासन, मतलब वो चीजों को बताएगा कि ऐसा करना है और नहीं करना, और जो चीजें करते हैं वो उनके नीचे वाले लोग चीजें करते हैं, उसको निर्देशन करना है, डायरेक्शन देना काम होता है। और शैक्षिक प्रशासन को उपयुक्त मानव और भौतिक संसाधनों को एकत्रित करने की प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। जो एक शैक्षिक प्रशासन होता है उसमें क्या होता है, उसमें मानव होते हैं और भौतिक संसाधन होते हैं। आपके स्कूल का जो शैक्षिक प्रशासन है उसमें क्या है, उसमें मानव ही लगे हैं, दो चीज लगा, या तो वो भौतिक चीज है, मतलब आपके स्कूल की बिल्डिंग है, आपके स्कूल का लैब हो गया, उसमें चेयर हो गया, जैसे लाइट हो गया, पंखा हो गया, मतलब जो कुछ भी है आपका, ठीक है, हाँ, मैनेजमेंट करना। तो ये क्या हो गया, उसमें दो चीजें, भौतिक चीजें लगी है और मानव, ठीक है, आपके स्कूल के जो भी है, जो आपका एडमिन है वो भी मानव है, प्रिंसिपल है वो भी मानव है, ठीक है, और प्यून है वो भी मानव है, बच्चे मानव है, हर कोई आदमी है, आदमी और भौतिक चीजें ही मिलके इस चीज का, किसी भी एक जो एजुकेशनल प्रक्रिया हो रही है, एजुकेशन संस्थान है, उसका निर्माण करती है, जो एक शैक्षिक संस्थान के कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने के उपलब्ध कराया जाता है। और ये जब चीजें मिलती हैं, दोनों मानव और भौतिक संसाधन जो मिलते हैं, तो वो क्या, जो हमारा एजुकेशनल एम एंड ऑब्जेक्टिव है, तो तभी वो जाके पूरा होता है।
अगर इसमें से कोई भी एक नहीं रहेगा तो एम ऑब्जेक्टिव हमारे नहीं पूरा हो पाएंगे, जो हमारा शैक्षिक प्रशासन है वो पूरी तरह से चरमरा जाएगा, उसमें कुछ होगा नहीं। ओके, अब देखते हैं हम लोग एजुकेशनल मैनेजमेंट, ठीक, एजुकेशन का हम प्रबंधन कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि एजुकेशनल मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशनल प्रोसेस दैट ऑप्टिमाइज द आउटकम विद द लीस्ट एफर्ट। एज वी नो दैट द आउटकम ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट इज अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द कंट्री। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट हेल्प इन गुड सेटिंग। मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि जो चीजों को मैनेज कर रहा है, जैसे एक तरह से आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि जो आपका प्रिंसिपल है वो क्या है, वो चीजों को मैनेज कर रहे हैं, वो देखते हैं कि टीचर की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, और जो स्कूल की जो फैसिलिटी है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो हर चीज को वो क्या करते हैं, वो करते हैं मैनेज करते हैं। अगर कोई टीचर नहीं आ रहा है तो उनकी उनके पीरियड में कोई और टीचर आएगा, तो ये कौन डिसाइड करता है, टीचर नहीं डिसाइड करता, ये प्रिंसिपल सर डिसाइड करते हैं। सब चीज का लेखा जोखा वो रखते हैं। स्टूडेंट को किसी चीज की जरूरत पड़ रही है, जैसे स्टूडेंट को मान लीजिए कि अच्छे टेक्स्ट बुक की जरूरत पड़ रही है, उनको लैब की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मैनेजमेंट कौन किया, आपके प्रिंसिपल करते हैं। जो और जो फैसिलिटी है, जैसे कि मतलब स्कूल में किसी चीज का प्ले ग्राउंड की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, अच्छे लैब की जरूरत पड़ रही है, और भी किसी चीज को जो मतलब उनको टूर ले जाना है, बच्चों को किसी मतलब शैक्षिक चीजों को पढ़ाने के लिए उनको टूर लेके जाना है, तो इन सब की जरूरत पड़ी। तो ये क्या है, जो प्रिंसिपल है वो क्या, वो मैनेजमेंट कर रहा है। इनके ऊपर कौन है, एडमिनिस्ट्रेशन, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये एक तरह से फंक्शन के रूप में काम करता है, मतलब अगर इसमें से एक भी न रहे तो हमारी जो शैक्षिक प्रक्रिया हो रही है वो नहीं होगी। तो ये आप इस तरह समझ जाइए कि जो हर चीज को मैनेज करता है एजुकेशनल चीजों को, मतलब कि एजुकेशन के पर्पज से जो संस्था का गोल एंड ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो गोल एंड ऑब्जेक्टिव है उस संस्था के, उसको मैनेज करने के लिए जो पूरी तरह से प्लानिंग करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा, इवेल्युएट करेगा, तो वो हो जाता है एजुकेशनल मैनेजमेंट। मतलब कि आप आपके स्कूल को जो मैनेज मैनेज कर रहा है वो हो जाएगा एजुकेशनल मैनेजमेंट। एकदम सिंपल वर्ड में इसको आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। शैक्षिक प्रबंधन क्या है, एक पेशेवर प्रक्रिया है जो कम से कम प्रयास के साथ परिणाम का अनुकूलन करती है। मतलब क्रम कम प्रयास में हम ज्यादा चीजें चाहते हैं, तो वो तो हर कोई चाहता है ना, हम भी तो चाहते हैं कम पढ़ना पड़े और मेरा जीआरएफ हो जाए, है ना। तो इसके लिए क्या है, हमको बहुत सटीक पढ़ना पड़ेगा, हमको पढ़ना क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन का परिणाम देश के लिए क्या है, सर्वोत्तम मानव संसाधन विकसित करने की शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति है। योजना प्रबंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, यह लक्ष्य निर्धारण में मदद करता है। योजना प्रबंधन जो अगर हमारा जो मैनेजमेंट कमेटी है वो अच्छे तरीके से काम करेगी तो ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, एक कंपनी का भी उदाहरण दे देते हैं, कोई कंपनी है तो जो उसकी जो मैनेजमेंट कमेटी होती है, जो चीजों को मैनेज कर रही है, वो मार्केटिंग को भी मैनेज कर रही है। आज के समय में मार्केटिंग भी बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है किसी भी संस्था को ऊपर ले जाने में। कोई कंपनी है तो वो क्या क्या देख रही है, वो इम्प्लॉय को जरूरत क्या है, अगर इम्प्लॉय कम है तो उसकी क्या कर रहा है, उसके लिए एडवर्टीजमेंट निकाल रहा है, उसका इंटरव्यू करा रहा है, मार्केटिंग करा रहा है, और उस कंपनी में किसी टूल्स की जरूरत पड़ गई तो उसको कर रहे हैं, तो क्या पूरी तरह से वो कंपनी को अपने गोल्स को पहुंचाने के लिए, कंपनी के गोल तक उसको क्या कर, पूरी तरह से प्रबंधन कर रहा है और लक्ष्य का निर्धारण कर करके उस चीज को पूरा करता है। ये हो जाएगा एक प्रबंधन। अगर आप इस चीज को एजुकेशन फील्ड में ले जाएंगे तो एजुकेशनल प्रबंधन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसके प्रिंसिपल क्या क्या हैं। प्रिंसिपल देख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका है कि अब जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसमें शेयर होती है। जैसे कि जो आपका स्कूल का एडमिन है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे वाले लोग को शेयर करता है, नहीं शेयर करेगा तो फिर काम कैसे चलेगा, क्योंकि वो क्योंकि जो एडमिन है वो तो सारा काम नहीं कर सकता ना, वो मैनेजमेंट कमेटी करेगी, मैनेजमेंट कमेटी और लोगों से करवाएगी काम। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी,
ठीक है, इसमें क्या होता है, इक्वालिटी का प्रिंसिपल होता है कि मतलब कि हर कोई जो इसमें है, हर स्टेज पे जो जो लोग हैं वो सब बराबर है इसमें, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल हो, एडमिन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, टीचर हो गया, तो हर कोई बराबर है उस संस्था के लिए, हर कोई बराबर का हिस्सेदार है उसके गोल एंड ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, हर कोई स्वतंत्र है अपने विचारों को रखने के लिए, क्या है, स्वतंत्र है। जिसको अगर वो चीजें अगर एजुकेशन पर्पज के लिए अच्छी हैं, ठीक है, बच्चों के लिए अच्छी है, उस संस्थान के लिए अच्छी है, तो अपनी बात आदमी रख सकता है, उस सबके लिए फ्रीडम है। कोऑपरेशन मतलब हर कोई एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलेगा, सबकी बातें सुनेगा और उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, कि प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस मतलब न्याय होगा। न्याय का मतलब क्या होगा, ऐसे समझ लीजिए कि एक कोई मतलब अलग अलग टीचर है, तो एक ही टीचर जैसा होगा उसकी जो पे स्केल हुई और दूसरे की हुई वो सबकी बराबर रहेगी। जैसे आपके कंपनी में होता है कि एक जो मतलब पोस्ट होती है उस पे जो जितने भी एम्प्लॉय होते हैं सबकी क्या होती है, सैलरी बराबर होती है। तो ये क्या हो गया, जस्टिस वाली बात है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी को सैलरी ज्यादा दे देंगे, एक आदमी को उसे कम देंगे। अगर योग्यता एक बराबर है तो सैलरी भी एक बराबर देनी चाहिए, और अगर योग्यता अलग अलग है तो जरूर सी बात है ये भी जस्टिस में ही आएगा कि हर आदमी को, जैसे प्यून है, ठीक है, तो उनकी सैलरी कितनी है, मान लीजिए 5,000 है, तो टीचर को भी 5,000 नहीं मिलेगा, ये जस्टिस नहीं हुआ। और प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक फिलॉसफी, ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, क्या होना चाहिए चीजों में, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए मतलब लोकतांत्रिक होनी चाहिए, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी जो चीजें हो रही है सबकी बात सुनना है, स्कीम है कुछ में कोई कम ज्यादा करना है, मतलब फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि चीजों कुछ चीज उसमें जोड़ सकते हैं, कुछ चीज उसमें घटा भी सकते हैं। एक बार हिंदी में देख लेते हैं, इसके प्रिंसिपल क्या क्या है, जिम्मेदारी का साझा करना, मतलब कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या करेगा, एडमिन चीजों को साझा करेगा, ओके, एडमिन प्रिंसिपल टीचर, ऐसे रख के समझिए तो आ जाएगा। समानता का अधिकार, सबका समानता का अधिकार है, जिसकी जो वैल्यू है वो सबको उस हिसाब से उनको उतनी इक्वालिटी मिलेगी। स्वतंत्रता का अधिकार, सब अपनी बात के लिए स्वतंत्र है उसमें, जिसको जैसे काम करना वैसे करेगा, लेकिन उतना ही करेगा कि जहां तक इंस्टीट्यूट का कोई और हानि न पहुंचे। सहयोग का सिद्धांत, सब लोग एक दूसरे को कॉपरेट करके चलेंगे, सहयोग देंगे। न्याय का सिद्धांत, सबके लिए न्याय होगा। और लोकतांत्रिक दर्शन का सिद्धांत, ठीक है, सब लोग अपने लिए लोकतांत्रिक रूप से, सब लोग जैसे कि सब लोग क्या, डेमोक्रेटिक रूप से सब लोग फ्री हैं। लचीलेपन का सिद्धांत, जो ये हमारी संस्था है वो पूरी तरह से लचीली रहेगी, इसमें हर कोई अपना अपना योगदान देगा, हर कोई अपनी बात रखने का उसमें अधिकार है, सबको लचीलापन है। फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम लोग कल पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लास का भी टाइम हो गया होगा, 11:05 हो गया, ठीक है, टाइम भी हो गया बहुत। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया। और आज जो 6 PM वाली क्लास है वो नहीं होगी, ठीक है, आज हम लोग सुबह ही पढ़ लिए हैं, आज 6 PM हमारी क्लास नहीं करेंगे, फिर हम लोग मंडे को आएंगे 10 AM। सिद्धांत बहुत सारे हैं, लेकिन नियोजन भी तो उसमें आ गया जो मैंने पढ़ाया है, कि हर चीजों को हमको नियोजित करके चलना है, ठीक है, एक जो सिस्टम है उसको काम करने के लिए क्या है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इतना आप थोड़ा अपने से भी समझ सकते हैं कि चीजों को नियोजित करके चलना, कोई भी अगर हमें अपने स्कूल के लिए स्कीम लागू करनी है तो हम उसको सही ढंग से लागू करेंगे। ओके शिल्पी, ओके, हाँ ठीक है, आप भेज दीजिएगा मुझे, ठीक है, ओके, थैंक यू। देखिए, डिजर्टेशन आप बना रही हैं, अगर उसको अच्छे से पब्लिश कराना है, क्योंकि मैं भी अभी उसी पे काम कर रही हूँ जो मेरा डिजर्टेशन का टॉपिक था,
उस पर मैं एक पेपर लिख रही हूँ, तो मैं भी उसी समय काम कर रही हूँ। आज मुझे अपने गाइड को देना भी है, उन्होंने बोला था सैटरडे संडे आपकी डेडलाइन है, तो मैं अभी थोड़ा टाइम नहीं निकाल पा रही थी, थोड़ा काम हो गया, लेकिन हमें इसी वजह से आज 6 PM की क्लास नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मुझे अपना पेपर लिखना है। तो हो गया, बस थोड़ा सा उसको एक वे में ले आना है उसको, टेबल्स वगैरह उसको। इसीलिए मेन रीजन यही है कि मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी अपना डिजर्टेशन थोड़ा देखना है उसमें। ठीक है, और आपका जो डिजर्टेशन है वो मैं देख लूंगी, प्लेगरिज्म वगैरह अगर आप बोलेंगी तो मैं वो भी चेक कर लूंगी कि क्या है। अगर प्लेगरिज्म वगैरह नहीं रहेगा तो ही आपका जो पेपर है वो सबमिट हो पाएगा किसी अच्छे में। ठीक है, स्कोपस के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि स्कोपस में हो जाए, तो अगर आप चाहेंगी तो वो भी सब कर लूंगी मैं, अगर आप बताइएगा जैसा कि जब करना है उसमें। ये सब बातें राखी बता देंगे। ठीक है, नहीं तो जो इसका चैट बॉक्स है फिलर फॉर्म का, उसमें भी आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है शिल्पी, आप भेज दीजिएगा, जो भी मुझसे हेल्प हो पाएगी जितना मुझसे वो मैं बता दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सबको। ठीक है, मंडे को हम लोग मिलेंगे 10 AM। ओके, अभिज्ञान आप फिलर फॉर्म का जब ये बंद हो जाएगा तब तो आप चैट बॉक्स खोलिएगा, तो उसमें आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ नाइस वीकेंड टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय। थोड़ा एंजॉय करिए, थोड़ा पढ़िए दोनों काम। ओके okay? लेकिन थोड़ा एंजॉय भी कर लीजिए, क्योंकि पूरे हफ्ते हम लोग दो दो क्लास लिए हैं, तो थोड़ा प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए थोड़ा एंजॉय कर लीजिए सबको। Hmm.